गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं एसटीईटी की। एसटीईटी जो एग्जाम हुआ है 2023 में, उसकी बात हम कर रहे हैं। ये एग्जाम जो है 4 सितंबर 2023 से लेकर 18 सितंबर 2023 तक चला था। पेपर वन में जो विद्यार्थी टोटल जो फिलअप फॉर्म गए थे वो देखिए 2,71,872 पेपर वन में अप्लाई किए थे, और पेपर टू में जो अप्लाई किए थे 1,56,575। इस तरह से दोनों विद्यार्थियों को हम मिलाते हैं तो 4,28,387 जो है विद्यार्थी अप्लाई किए थे, लेकिन परीक्षा में जो सम्मिलित हुए ये दोनों पेपर से 3,76,577 जो है ये सम्मिलित हुए। इस तरह से टोटल जो पास किए हैं 3,07,026 टोटल पास किए। इस तरह से 79.39% जो है ये रिजल्ट रहा। इस तरह से हम बात करते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, और इसमें जो देख रहे हैं कि पेपर वन में 16 विषयों का पेपर जो है हुआ था, और पेपर टू में 29 विषयों का पेपर हुआ। इस तरह से टोटल जो है 45 विषयों का जो है ये पेपर एसटीईटी हुआ। तो इस तरह से एसटीईटी एग्जाम दो लिया, ये आप देखिए 2023 में लिया गया। इसके पहले 2019 में लिया गया था, वो कैंसिल हुआ था। फिर सीबीटी एग्जाम जो है 2020 में लिया गया, और रिजल्ट 2021 में दिया गया। यानी 2019 वाला के बाद से ये सीधे 2023 में हुआ है, यानी बार बार ये होनी चाहिए। अब हम रिजल्ट की बात करते हैं। अभी सर्वर बहुत डाउन चल रहा है, इस कारण से आपको जो है ये थोड़ी समस्या हो सकती है। आप पे 4 घंटा रुकिए, 4 घंटा के बाद जो आपकी पूरी समस्या सॉल्व हो जाएगी, इसलिए कि सर्वर फर्स्ट और सर्वर सेकंड ये दोनों जो है ये बहुत ही बिजी चल रहा है। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं पूरा आपका जो है रिजल्ट अच्छा से शो करेगा, और जिनको भी रिजल्ट हो गया होगा उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और वे अपने कंपटीशन की तैयारी करें। बीपीएससी अगला भी जो है आने वाला है, उसमें अपना जो है कामयाबी हासिल करें। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट जो है वेटिंग है, थोड़ा सर्वर से आपको नखुश होंगे तो थोड़ा आप धैर्य रखिए, 4 घंटे के बाद सारा सर्वर ठीक हो जाएगा। इसके बाद जाकर के चेक कर लीजिएगा, और पुनः एक बार जो भी पास करेंगे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने जो है मंजिल की ओर लगे रहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी जिस चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा, और थोड़ा सा लिंक का एक्टिवेट जो हुआ है उसमें जो सर्वर प्रॉब्लम है कंप्लीट होने दीजिए, चेक कीजिए, और इसके बाद आप जो है अपना रिजल्ट को जानिए। थैंक यू।